सूरसदन प्रेक्षागृह में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को शत शत नमन करते हुए कांग्रेसियों ने शताब्दी स्मृति उत्सव मनाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, प्रदीप माथुर, पीएल पुनिया समेत इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के अतीत पर प्रकाश डालते हुए कांग्रेसियों में उत्साह संचार करने का प्रयास किया। अपने भाषण के दौरान प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को जनता का शिकारी बताया। तो आइए डालते हैं एक नजर सुसदन प्रेक्षागृह के मंच पर क्या कहा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने। अरे बैठ जाओ पार्टी वहां से चला आया, इस चक्कर में किसी मेरी बुराई की मुझे नहीं आना पड़ रहा भाई। उमाशंकर जयशंकर उमाशंकर उपाध्याय जी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी की शताब्दी समारोह के अंतर्गत आज आगरा में आए। एक देश भक्त की शताब्दी समारोह में हम आए, देशभक्त की पहचान क्या है, देशभक्त का शब्दार्थ क्या है, जिसने देश के लिए अपना सब कुछ स्वागत किया, अपने प्राण भी दिए तो देश के लिए, देश के उसूलों को जिंदा रखने के लिए, और सारी जिंदगी बचपन से अगर किसी ने कष्ट ही कष्ट सहे तो देश के लिए सहे। कष्ट के मान लिए नहीं होते हैं, आप कितने पैसे वाले हो जाए भाई नजीर यहां पर फिर देख रहा था नजीर अहमद साहब, आप चाहता हूं पैसे वाले क्या रहे तो आप क्या मैं का नाम लिया और एक झाड़ू साथ में जो पीछे खड़ा इसका नाम ले लूंगा सकीर साहब को मुझे लगेगा कि राजकुमार साहब के नाम ले रहा है, चाहे वो पेड़ हो और चाहे राजू बाबा ने भाई दोनों का नाम नहीं लिया। दोस्तों यही तरीके जब तक चलाता आ रहा हूं कि चलना है और आने वालों को समझ आ रहा है यही तरीके से चला और मानव सिंह का काम क्या था कि जो भी कांग्रेस के समाचार होते थे गिरफ्त पूजा करना और क्या तकलीफें सही इस महान लेडी ने इस महान नेत्री ने कि पिता किसी जेल में है 27 साल तक और माता पिता जी किसी अस्पताल के अंदर अपना इलाज के लिए कभी माता के पास किसी अस्पताल में किसी शहर में तो कभी पिता किसी शहर में। मैं पूछना चाहता हूं बहुत सारे लोग हम जैसे लोग जिंदगी के अंदर कोई बस्ती जिनकी मंडी में पैदा हुआ यहां बचपन गुजारा बचपन से निकल के गया ईश्वर ने सुन ली एयरिशन से मिल गया गाड़ी मिल गई लेकिन सुख से बाहर निकलने का बड़ा मुश्किल होता है जिसके पास आनंद और जैसा और जिनके पिता मोतीलाल नेहरू जो उस वक्त के सबसे रही सबसे महंगे वकील हुआ करते थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसके इंग्लैंड से जब अपने फ्रांस से घूमने जाया करते थे और जब भारत में आया तो मोतीलाल नेहरू ने भी नेहरू जी ने भी और आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया और समझते दिया। मुझे बताए इतनी ऊंचाई पर रहने वाला कोई शख्स जिसके कपड़े लंदन से फ्रांस घूमने जाते हो वो 27 साल अपने धोती कुर्ता पजामे को खुद जेल के अंदर हाथ से धोता हो। एक ने खून दिया जिंदा रहते हुए ये कहा
और एक ने कहा कि मुझे 50 दिन दे दो, अगर तुम लोगों का नुकसान हुआ तो मुझे किसी चौराहे पर सजा दे। दोस्तों ये समझना होगा, ये जुमले कहने को समझना होगा। समझने के लिए आपके अंदर भी जज्बा पैदा होना चाहिए। आप उन शिकारियों के चंगुल में आने का काम करते हैं जिन शिकारियों से जब तक इंदिरा गांधी रही, जब तक राजीव गांधी रहे, उन शिकारियों को कभी आपको शिकार करने का मौका नहीं मिला। किसी जंगल में बड़ा शिकार करना हो या छोटा शिकार करना हो, कभी वो बकरी को बांध देता है, कभी वो भेड़ को बांध देता है, तो कभी वो हाका करता है, हो करते हुए हाका करते हुए जाते हैं और जानवर इकट्ठा हो जाता है और उसका शिकार कर लिया जाता है। ऐसे ही ये वोटों के शिकारी, ये वोटों का शिकार करते हैं, कभी हिंदू के नाम पर तो कभी मुसलमान के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर तो कभी मस्जिद के नाम पर, कभी गौ माता के नाम पर, तो कभी तुम्हारे फिर ने क्या रखा है उसी नाम पर। और हमें जिनके शिकार के शिकारी, तो हम के शिकारियों का शिकार बन जाते हैं। आज उनका राजू को याद करते हुए मैं उसकी कहा सामने रखना चाहता हूं। मैंने कहा कि इस सूरत के सामने कोई खड़ा मत होना। आप सब लोग उससे नाराज हुए जब मैंने धक्के देके वहां से लोगों को हटाया, जब मैंने यहां से हटाया, जानते हो क्यों हटाया? इसलिए खड़ा कि जब तुम्हारी गदर पड़े तो चाहे आपके नेता हो गए सूरत में देखते रहो। तो मुरारीलाल जी, मैंने सबका सम्मान किया, मैंने किसी को आगे पीछे करने की कोशिश की। मैं तमाम अपने वरिष्ठ नेता और अपने दोनों अध्यक्षों का, शबीर साहब आपका, अपने बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूं। लिखना भी आपसे उम्मीद करता हूं, एक बार हिम्मत करके देखो, वो ईसाइयों का इलाका मत समझो, वो हिंदुओं का इलाका मत समझो, वो ब्राह्मणों का इलाका मत समझो, वो बंदियों का इलाका मत समझो, एक बार इस देश का इलाका समझ लो कि आलवा भाईचारे से चले। प्रधानमंत्री महोदय, आपने नोटबंदी की रात को 8 बजे इतना बता दे कि नोटबंदी से एक साल में क्या क्या फायदे हुए हैं, जरा फायदे की गिनती बता। मैं कुछ नहीं जानता कि इंदिरा जी ने क्या कहा, मैं कुछ नहीं जानता कि बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा, मैं इतना जानता हूं आगे के लोगों के सामने हाथ जोड़ के कहना भैया हम नहीं जानते। इतना बता दो, आपके अपने राजनोबर ने पूछा था कि नोटबंदी से फायदा क्या और क्या क्या हुआ, इस दौरान राज बब्बर ने कांग्रेसियों से एकजुट होने का आह्वान भी किया और साथ ही कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी विनोद बंसल को जिताने की अपील की। को कहना चाहिए कि स्वर्ग का रास्ता देने वाले बीजेपी की सरकार के लोग या बीजेपी के सरकार के या बीजेपी से जुड़े हुए वो तमाम हमारे जो आज भी सरकारों में बैठे हैं, किसी का बेटा जो है वो 16,000 गुना मुनाफा करता है, खुला भ्रष्टाचार है और किस तरह से ये कागज निकल रहे हैं, लेकिन जो सच तो ये है कि इन कागजों को निकलने के बावजूद भी कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा, बस सिर्फ भागने का काम कर रहे हैं, मालिया भाग गया बाकी भाग जाएंगे। जी हाँ, इसके बारे में बोल चुके हैं हम लोग, राहुल जी ने भी बोला है कि इसकी जब तक जांच नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं, कहीं नहीं बहुत ज़बरदस्त, कल पूरे दिन हम लोगों के बीच में जाएंगे और हम काला दिवस इसलिए मना रहे हैं कि नोटबंदी को लेकर
जो 8 नवंबर रात को 8 बजे हुई थी, उसके कोई फायदे एक साल में सरकार ने नहीं बताए। और जब ये कहा था कि मुझे 50 दिन का समय दे दो, प्रधानमंत्री ने स्वयं बोला था अगर नहीं इसका फायदा नजर आए तो मुझे किसी भी चौराहे पर सजा दे देना। सजा देने का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है किसी भी चौराहे पर, उसके लिए उनको किसी और देश में पैदा होना पड़ता। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हम जरूर चाहेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी विनोद बंसल ने भी मीडिया से इस दौरान अपनी बात रखी। ये इंदिरा जी का जन्म शताब्दी समारोह ये मनाया गया है। वास्तविकता में जो सांसद जी ने आज बात कही, 2 अक्टूबर 1977 को आगरा से परिवर्तन की शुरुआत हुई थी और इस उनको इतना विश्वास था कि हम इतने बहुमत से जीते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वही स्थितियाँ परिस्थितियाँ आज मौजूद हैं। इतना घमंड हो गया है, भाषा बदल दी गई हैं, भाषाएं बदल गई हैं और आम जनता कराह रही है, छोटा व्यापारी रो रहा है और ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ पैदा की हैं कि वे जो स्थिति पैदा की है, तुम आदमी की पीठ पर मार करो कोई कष्ट नहीं होगा, आज छोटे व्यापारियों के पेट पर मार करी जा रही है। जो नोटबंदी और GST के कारण मैं हम सब वेदना के साथ हम विश्वास दिलाते हैं उन व्यापारियों को कि हम तुम्हारे साथ हैं और निश्चित रूप से इस सरकार के दमनात्मक कार्रवाई जो है उसका विरोध करेंगे। हमारे कांग्रेस आज तो अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है, मैं बता रहा हूँ कि आज आह्वान किया है और मेरे कार्यकर्ता मेरे साथी इससे पहले ही पूरी ताकत के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनका विश्वास, आत्मबल और उनका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। बड़ा गौरवमयी दिन है आगरा का आज, के माननीय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आज जन्म शताब्दी वर्ष समारोह आज सूर्य सदन प्रांगण में हो रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में आगरा के कोने कोने से कार्यकर्ता, समाज सेवी और धर्म से जुड़े हुए सभी लोग, बड़े व्यापारी गण, हर व्यक्ति, हर समाज का, हर वर्ग का, हर तबके का व्यक्ति आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहा है। साथ ही इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमान राजब्बर साहब, साथ राज्यसभा सांसद PL पुनिया साहब, श्रीमान प्रदीप माथुर साहब, डॉक्टर संजय सिंह साहब, AICC के और वरिष्ठ कांग्रेस के हमारे पदाधिकारीगण जो दिल्ली से और लखनऊ से आए हुए हैं, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। साथ ही इस कार्यक्रम को 12 सदस्यीय संचालन समिति ने जिस तरीके से 4 चांद लगाए हैं, तो वो ये देखने बनता है कि आज पूरे आगरा शहर से शायद कोई बचा नहीं है कि जो कि जिसकी भावना पूरी तरह से जुड़ी हुई है। ये कहिए कि आज नोटबंदी की पूर्ण तिथि है, प्रथम वर्ष की पूर्ण तिथि है। इस नोटबंदी ने 3-3 पुत्रियों को जन्म दिया, जो कि नोटबंदी के साथ साथ GST और GST के बाद जिस कदर महंगाई बढ़ी है, पूरा देश कराह रहा है, पूरे देश की स्थिति है, गरीब महिला अपने घर का चूल्हा नहीं जला सकती। आज टमाटर 70 रुपये किलो, प्याज 30 रुपये, 40 रुपये किलो, बथुआ, मेथी, छोटी छोटी चीज़ें जो 5-5 रुपये किलो में बिकती थी, आज 40-40 रुपये किलो में दुकानों पर मिल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सब्जी भी अब कहीं आधार कार्ड से तो नहीं मिलेगी लोगों को। देखिए, आज इंदिरा जी की पैदाइश को 100 साल हो गए हैं। इंदिरा जी ने मुल्क के लिए अब कुर्बानियाँ दी हैं, न सिर्फ उन्होंने बल्कि पूरे परिवार ने कुर्बानियाँ दी है, और इंदिरा जी के ही टाइम पे मुल्क आगे बढ़ा है, तरक्की की है और पूरे दुनिया में हिंदुस्तान जगमगाया है। आज हम लोग उनकी कुर्बानियों को याद कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप को याद कर रहे हैं और जिस तरह से आपने देखा होगा कि कांग्रेसियों के बीच में एक जोश है, सबको ये पता है कि भाई जो कांग्रेसियों ने हिंदुस्तान के लिए किया है वो कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है। जो हमारे लीडरों ने है ना, उन्होंने अपनी जान तक के दे करके है ना मुल्क को आगे बढ़ाया है, जबकि लोग मुल्क और मुल्क के लोगों की जान ले रहे हैं। आप देखिए, कल 8 तारीख को नोटबंदी का वो जश्न मनाया जाएगा, तो आप उन घरों के बारे में सोचिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जो नोटबंदी के दौरान में मरे हैं। तो हम लोग ऐसा जश्न नहीं मनाते हैं, हम लोग वो जश्न मनाते हैं जो खुद कुर्बान होते हैं और मुल्क को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर की मौजूदगी और उनके उद्बोधन से सूर सदन प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी कांग्रेसी उत्साह से लवरेज दिखाई दिए। ये नज़ारा वार्ड संख्या 72 का है, जहां नगला मेवाती इलाके में सपा प्रत्याशी
जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के शहर अध्यक्ष अनीस खान की पत्नी रेशमा खान है, उनके चुनावी जनसंपर्क का है। सपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनीस खान ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अपने वार्ड में जनसंपर्क किया। बता दें कि इस वार्ड संख्या 72 पर हमेशा से सपा का ही कब्जा रहा है और इस बार भी ये सीट सपा प्रत्याशी रेशमा खान के कब्जे में जा सकती है। आज जनसंपर्क का पहला दिन है और आप देख रहे हैं जनता का पूर्ण बहुमत, पूर्ण विश्वास, अपना पूरा विश्वास हमारे ऊपर जता रही है जनता। समाजवादी पार्टी पिछले 20 सालों से इस वार्ड में स्थापित है, स्थापित नहीं, एक जो खम्भ होता है उस तरीके से स्थापित है समाजवादी पार्टी। इंशाल्लाह आने वाले जो 22 तारीख को चुनाव होगा उसमें समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से तो जीतेगी। एक आगरा नगर निगम में रिकॉर्ड तोड़ जीतने का एक रिकॉर्ड भी बनाएगी समाजवादी पार्टी 72 में। जीतने के बाद में आपकी जो प्राथमिकताएं होंगी वो क्या होंगी? सबसे पहले प्राथमिकता होंगी गली, सड़क, नाली, खरंजा, पानी की सीवर का, सफाई का, सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी। और 72 पहले से ही आगरा नहीं पूरे प्रदेश में नंबर वन सफाई के मामले में, ये रिकॉर्ड है नगर निगम में जमा, नंबर वन पहले से ही था और इस बार और सुपर नंबर वन बनाने का काम करूंगा। लंबे समय से समाजवादी पार्टी की सीट काबिज रही है यहाँ पर, तो इस बार क्या लगता है कि ये जो रस्म है ये बरकरार रहेगी? ये रस्म रिकॉर्ड तोड़ जीतों से आगे और बरकरार रहेगी। 72 में जो हमारे छोटे भाई अनीस भाई को जो टिकट मिली है, जो हमारी चलती आ रही है टपलू भाई के समय से, और मैं समझता हूँ कि पूरा नगला मेवाती आज अपने छोटे भाई, हमारा छोटा भाई अनीस के साथ है और बहुत सीधा और बहुत ही सरल आदमी है और हमें ऐसे ही नेता चाहते हैं, ऐसे ही पार्षद चाहते हैं बस, और पूरा नगला मेवाती चाहता है। 72 से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हाजी मोहम्मद अनीस खान, उनके साथ नगला मेवाती जनता का अपार सहयोग और फुल बहुमत से इंशाल्लाह उनको विजयी बनाएंगे। बहुत ईमानदार और सक्षम और ईमानदार कर्मठकार प्रत्याशी हैं। इस बार में सपा प्रत्याशी रेशमा खान, अनीस खान के समर्थक अपने प्रत्याशी की जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, साथ ही उत्साह से भी लबरेज हैं और दिन रात मेहनत करने में जुटे हुए हैं। नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल फूक चुका है और उसकी नामांकन की प्रक्रिया का दौर इस समय चल रहा है। प्रत्याशी पूरी जोड़ तोड़ कवायदों में लगे हुए हैं। कई सारे धुरंधर आगरा के इस चुनावी समरभूमि में मैदान में हैं। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर यहां से मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं दिगंबर सिंह धाकरे जी, जो कि एक निर्विवाद चेहरा भी माने जाते हैं, व्यक्तिगत पहचान भी एक समाज सेवक के रूप में इस शहर को उन्होंने दी है, लोग इस चीज़ में अपनी पूरी आस्था रखते हैं इनके प्रति। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि किस तरीके से ये चुनावी मैदान में हैं, क्या सोच रखते हैं। सबसे पहले दिगंबर जी जानना चाहेंगे आपका व्यक्तिगत परिचय और आपकी उपलब्धियाँ अब तक क्या क्या रही हैं। देखिए, दिगंबर सिंह धाकरे जैसा कि आपने कहा मेरा नाम है और मैं दवा व्यवसायी हूँ मूल रूप से, इसके साथ साथ थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का भी हम लोग काम करते हैं। जहाँ तक सामाजिक सरोकारों का सवाल है तो मैं रोटरी क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, रोटरी इंटरनेशनल से। मैं रोटरी क्लब आगरा का प्रेसिडेंट रहा, यहाँ रोटरी में असिस्टेंट गवर्नर रहा और रोटरी के माध्यम से और विभिन्न अन्य संस्थाओं के माध्यम से मैंने समाज में जो भी कार्य किए, विशेषकर उन स्थानों पर मैंने कार्य किए जहाँ तक लोग जाने में भी कंफर्टेबल फील नहीं करते, अपना उनको अच्छा फील नहीं होता। टॉयलेट ब्लॉक्स लगातार हम लोग बनवाते रहे, वॉश स्टेशंस पे हम लोग काम करते रहे, साफ़ सफाई हाइजेनिक के बारे में हम लोगों को वहाँ पढ़ाते रहे। तो इस तरह से मैं कंटिन्यूस जो है अपनी सेवाएं समाज को पिछले करीब 12 साल से दे रहा हूं। क्या लगते हैं आगरा को कितना पिछड़ा मानते हैं अब तक? और देखिए, आगरा निश्चित तौर पे इस समय, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं बाकी विश्व के अन्य शहरों से, आप ये मानिए कि आगरा के पास एक ऐसी धरोहर है, हमारे पास ताजमहल के रूप में, जो कि विश्व में नंबर वन है, नंबर वन अजूबा लोग ताजमहल को जानते हैं। लेकिन उसके सापेक्ष अगर हम ताजमहल के सापेक्ष अगर हम शहर को रखें
शहर की साफ़ सफाई को रखें, शहर के ट्रैफिक को रखें, शहर के रोड्स को रखें, स्ट्रीट लाइट्स को रखें, तो यहाँ व्यवस्थाएँ पूरी तरह से चौपट हैं। विदेशी आगरा के, आगरा जब आता है तो आगरा के बारे में अपना जो भी सोच के आता है, उसका जो भी सोच है कि आगरा बहुत नीट एंड क्लीन होगा, बहुत वेल प्लान शहर होगा, साफ़ सफाई बहुत बढ़िया होगी, ऐसा जब उसको यहाँ नहीं मिलता तो वो काफ़ी नेगेटिव रिमार्क्स लेके जाता है। और जब वो नेगेटिव रिमार्क्स लेके जाता है, उस स्थिति में जो हमारा टूरिस्ट है वो दिन प्रतिदिन, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट जो है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है यहाँ पर। इसके विपरीत आप एक चीज़ देखिए कि जो छोटे छोटे देश हैं जिनके पास अपना कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास ऐसे कोई बड़े मोनूमेंट्स नहीं है, जिनके पास देखने दिखाने कुछ नहीं है, उन्होंने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है, आर्टिफिशियली इतना डेवलप उन्होंने कर लिया है कि वो हिंदुस्तान के टूरिस्ट का जो यहाँ पे टर्न अप है उसको कहीं ज़्यादा क्रॉस कर ही ले रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है ना। आगरा के जो मेयर अभी तक रहे, हम बात करें तो जो अभी मेयर रहे हैं, कई बार विदेशी दौरे पर भी गए, आज जनता बोलती है कि चुनाव में तो एक बहुत लुभावने वायदे किए जाते हैं और मेयर बनने के बाद फिर उनकी सोच भी बदल जाती है और उनकी परिस्थितियां भी अलग हो जाती हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे, खासकर ज़मीन से जुड़ी हुई जो चीज़ रहती है शहर आगरा को लेकर। देखिए, मैं आपसे इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन जितने भी मेयर आगरा में रहे, उन मेयर्स का मेयर बनने से पहले कितने लोग उनको जानते थे, कितने लोग उनकी समाज सेवा से प्रभावित थे, क्या उन्होंने समाज के लिए किया था, ये सब मुझसे ज़्यादा आप प्रेस मीडिया के लोग जानते हैं। क्योंकि मैं पहले से पब्लिक के बीच में रहता हूँ, एक समाजसेवी के रूप में रहता हूँ, पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के बावजूद भी मैंने कभी किसी पॉलिटिकल बिना दोष द्वेषभाव के साथ मैं हर समाज में जाके गया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी पार्टी का बेस वोट है कि नहीं, ये हमारी जाति का व्यक्ति है कि नहीं, मैंने सिर्फ ये सोचा कि इस मोहल्ले को हमारी आवश्यकता है, इन स्कूलों को हमारी आवश्यकता है, इन गलियों को हमारी आवश्यकता है, उन गलियों में हम गए, हमने हेल्थ चेकअप कैंप लगाए, कैटरेक्ट के कैंप लगाए और बहुत सारे काम हमने उन सब जातिगत दलगत क्षेत्रगत भावनाओं से ऊपर उठ के वो सब काम हम आज तक करते आ रहे हैं। आप विश्वास मानिए, आज भी सुबह हम अपने क्लब के माध्यम से 2 घंटे की समाज सेवा दे के आए हैं, जबकि इलेक्शन का शेड्यूल बहुत टाइट चल रहा है और उसमें भी उस चीज़ के लिए मेरे पास समय है, उपलब्ध है समय। कई सारे दिग्गज दावेदारों की फेहरिस्त थी बहुजन समाज पार्टी की टिकट पाने के लिए, और आपको एक आस्था व्यक्त की है पार्टी ने मेयर के प्रत्याशी के रूप में, तो एक जो पार्टी की छवि रही है, पार्टी का जो अपना जनाधार रहा है, वर्चस्व रहा है, और व्यक्तिगत तौर पर जो आपका निर्विवाद चेहरा है, मैं समझता हूँ ये जो दो ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन क्या गुल खिलाने वाला है, क्या लगता है इस चुनाव में? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो मैं बहन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय बहन जी को, जिन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति पर इतना भरोसा किया। यह बात की बिल्कुल आपकी सही है कि बहुत बड़े बड़े लोग दावेदार थे और मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको पीछे छोड़ के मैं आगे बढ़ा। शायद बहन जी ने मुझ में ऐसी आस्था जताई कि भाई पिछले 16 साल से हमारा वर्कर ये पार्टी में काम कर रहा है, हर बार ये विधानसभा मांगता है लेकिन मैं किसी तरह से इसको नहीं दे पाती हूँ। ईमानदारी बात यह है कि मैंने जब मेरा पिछली बार हमेशा टिकट जब मुझे नहीं मिला, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं पार्टी के खिलाफ कोई काम करूँ या पार्टी के खिलाफ एक शब्द भी बोलूँ। आप लोग इस बात के गवाह हैं कि मैंने कभी अपनी नाराज़गी, मतलब मेरे अंदर रही नहीं, प्रकट करना तो बहुत दूर की बात है। जब मुझे लगा कि मुझे बहन जी का आदेश नहीं मिला तो मैं जिसको भी बहन जी ने आदेश दिया मैं उसके साथ उसी क्षण से लग गया, और शायद जो यहाँ के लोगों ने जो मेरी रिपोर्ट भेजी, विशेषकर उन लोगों ने रिपोर्ट भेजी जिनके सामने हमेशा मैं टिकट मांगता रहा, उनने इतनी बढ़िया रिपोर्ट भेजी। मैं नाम यहाँ लेना चाहूँगा, हमारे साथी छोटे भाई भगवान सिंह कुशवाहा, पूर्व विधायक खेरागढ़, क्योंकि मैं मतलब मैं उन्होंने भी ये रिपोर्ट भेजी कि ये बहन जी बहुत अच्छे आदमी हैं और इन्होंने काफ़ी समाज सेवा की है, और भी सभी विधायकों ने, चाहे वो गोटालाल द्वेश जी हों, चाहे कालजन सुमन जी हों, धर्मपाल सिंह जी हों, सुनील चित्तौड़ जी हों, हमारे और बोर्ड और कोऑर्डिनेटर्स हों, इन सब ने काफ़ी जो है मुझे सहयोग किया और बहुत ही अच्छी तरह से मेरे साथ आज भी वो लोग दिनों रात मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं। इसके पीछे दूसरी बात आप कह रहे थे कि कॉम्बिनेशन का, देखिए आप चाहे ये बात मान सकते हैं और कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से मैं भी इस बात को मानता हूँ कि हिंदुस्तान में, विशेषकर नॉर्थ इंडिया में, कास्ट पॉलिटिक्स होती है, लेकिन पता नहीं क्यों फ्रॉम वेरी बिगनिंग ऑफ माई चाइल्डहुड आई हैव नेवर बीन अफेक्टेड ऑफ दिस थिंग, क्योंकि अब मैंने क्षत्रियों में जन्म लिया है तो क्षत्रिय तो मैं हुई,
और क्षत्रियों का तो धर्म है कि वो सब लोगों को साथ लेके चलें, ये आपको शायद इस बात की जानकारी होगी, लेकिन मेरी छवि जो है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादा है। तो आप एक भी समाज, एक भी जाति, एक भी धर्म ऐसा आगरा में नहीं ढूंढ पाएंगे जिसका प्यार, जिसका स्नेह, जिसका आशीर्वाद दिगंबर सिंह ठाकरे पे नहीं हो, क्योंकि मैं उनके बीच जाता हूँ, उनके बीच रहता हूँ, उनके बीच काम करता हूँ, उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा होता हूँ। तो शायद बहन जी को ये बात कहीं से पता लगी होगी कि ये एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। सब समाज से जुड़े रहे हैं आप, जो अब तक की जो उपलब्धियां कार्यकाल रहा, और कहीं ना कहीं ये सभी जो फीडबैक जो बहन जी को मिली उन्होंने आस्था आप में दिखा दी। एक संदेश जरूर चाहेंगे कि आगरा वासियों से जो आप कहना चाहें। देखिए बातें तो बहुत सारी हैं, मैं मानवतावादी दृष्टिकोण का आदमी हूँ, मानव मेरे लिए सबसे पहले है, इसलिए मैं सभी लोगों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ। संदेश तो क्या मैं दूंगा, बहुत छोटा हूँ इन सब लोगों के सामने, मैं सिर्फ एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपने अब तक बहुत मेयर चुने, बल्कि आपने नेता चुने, मैं इस बार कह रहा हूँ कि आप एक एक्टिंग मेयर चुनिए जो पर प्रतिदिन 6 घंटे नगर निगम कार्यालय में एक एम्प्लॉय की तरह से बैठेगा, वहाँ आपकी समस्याओं को सुनेगा, उन समस्याओं का निराकरण करेगा, और उसके बाद मैं एक सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ, मेरे दरवाजे पर कोई गेटकीपर न पहले था न आज है, हो सकता है कि गेट मेरी पत्नी खोले, हो सकता है गेट मेरा बेटा खोले, हो सकता है गेट मैं खोलूं, तो इस बात का निश्चित तौर पर जनता को मुझ पर भरोसा करना चाहिए कि मैं आधी रात उनके बीच में खड़ा हूं, सुबह उनके बीच में खड़ा हूं, शाम को उनके बीच में खड़ा हूं, उनके बीच का हूं, इसलिए मुझे उनका प्यार मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे BSP प्रत्याशी हैं मेयर के लिए दिगंबर सिंह ठाकरे जी, और मजबूत चुनौती के रूप में खड़े नज़र आ रहे हैं तमाम दिग्गजों के धुरंधरों के बीच, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही शानदार इलेक्शन रहेगा, चुनौतीपूर्ण इलेक्शन रहेगा हर किसी के लिए, और हमारी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस इलेक्शन के लिए। अपने सहयोगी अनूप दुबे के साथ सेलिब्रेशन टीवी के लिए देवेश दीक्षित। आगरा में 22 नवंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी इन दिनों कड़ी मशक्कत करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दिगंबर सिंह ठाकरे ने सुबह के वक्त वर्षों से बदहाली के शिकार वार्ड संख्या 28 जो टेढ़ी बगिया क्षेत्र में आता है वहां जाकर क्षेत्रीय जनता से मिले, साथ ही क्षेत्र की समस्याओं को भी जाना। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो, आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। BSP प्रत्याशी दिगंबर सिंह ठाकरे ने जब इस इलाके के गांव नाइकी सराय, पुरा गोवर्धन, नगला किशनलाल, जगदम्बा रोड में अपना चुनावी दौरा किया तो यहां के हालातों को देख हैरत में पड़ गए। हर तरफ टूटी फूटी सड़कें, गंदगी का आलम, पेयजल समस्याएं सामने आई। देखिए मैं इस वार्ड में आज आया, वार्ड नंबर 28 में नाइकी सराय, पुरा गोवर्धन, इस पूरे मोहल्लों में जब घूम रहा हूँ, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि 25 वर्ष से जो है ये जो है मोहल्ले और गांव नगर निगम में है। आप खुद देखिए, न कहीं नालियां हैं, न कहीं सड़कें हैं, न खरंजे हैं, पूरा गंदगी में होकर हम लोग निकल रहे हैं, आप भी हमारे साथ गंदगी में होकर ही निकल रहे हैं, और कैसा निगम चलाया लोगों ने, कैसे लोगों ने क्या काम किए क्या नहीं किए, इनका तो प्रभु ही मालिक है। इस गाँव को तो अभी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है। देखिए प्राथमिकता मेरी सबसे पहले रहेगी, वो रहेगी नाली और खरंजों की, उसके बाद स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स के बाद हेल्थ, स्कूल, ये सब मेरी प्राथमिकता बिल्कुल इसी तरह से चलेंगी। सबसे पहले नाली खरंजे, बिल्कुल वहीं से शुरुआत करनी है। पेयजल यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है, पेयजल पे भी साथ ही साथ काम करना है। यहाँ कुछ नहीं हुआ है ये देख के मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। देखिए तो आप देख रहे हैं, मैं सुबह बहुत जल्दी यहाँ आ गया, और जैसा कि लोगों ने आज तक बताया कि हाँ हमने मेयर प्रत्याशी को या मेयर को तो आज तक इस गांव में कभी देखा ही नहीं,
और मैंने तो शुरुआत ही वहाँ से की जो सबसे पिछड़े, बहुत ही जहाँ ऐसे तबके के लोग रहते हैं जिनको सुविधाएं अभी बिल्कुल प्राप्त नहीं है, जिनको बेसिक नीड्स जिनकी ऐसी हैं जो कि हमें सबसे पहले देनी चाहिए थी, और ये बड़े दुर्भाग्य विषय है कि लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब मैं निश्चित तौर पर सबसे पहले जो है ये चाहूँगा कि मूलभूत सुविधाएँ इनको दूँ, और इस 25,000 की आबादी वाला जो वार्ड है, बहुत बड़ा वार्ड है, इसमें 16,000 समथिंग तो इसमें वोट हैं और वहाँ की हालत ऐसी है, मैं सबसे पहले ऐसे ही वार्डों में जाऊँगा और ऐसे वार्डों में ही अपना काम कराऊँगा अगर ये जनता मुझे आशीर्वाद देके मेयर बनाती है तो। अब डालते हैं एक नज़र नाइकी सराय और पूरा गोवर्धन की जनता पर, क्या कह रहे हैं ये लोग कि किस तरह अब तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इनके जख्मों पर मरहम तक लगाने की जहमत नहीं उठाई। अभी तक हमारे विकास में 25 या 30 साल के लमसम नगर निगम आए हुए हो गई, अभी तक ना तो आप स्कूल की हालत देख सकते हैं जाके, ना बाउंड्री हुई है ना कुछ हुआ है, अभी तक विकास के नाम पर जीरो है, केवल नाम है कि नगर निगम में आ चुका है इसके, और इससे हम बहुत आहत हैं। कोई भी मेयर ओले अब तक का किसी ने ना हमारी सुनी है ना, और आप देख सकते हैं कि अब क्या आना जाना लगा हुआ है। मेरा गाँव नाई सराय जो पहले 24 रहा उसके बाद में 28 रहा, आज तक बीजेपी का मेयर हमेशा जब से मतलब हुआ है, जब से बीजेपी का मेयर ने आज तक ये नहीं देखा कि नाइकसराय वार्ड कहाँ रहता है, और ना कोई विकास, विकास नाम की तो चीज़ है ही नहीं। यहाँ पर आगरा की सबसे ज़्यादा पिछड़ी स्थिति है तो इसी वार्ड की है। हम के प्रत्याशी ऐसे व्यक्ति को वोट दे रहे हैं जो कि यहाँ वोट मांगने आया, और अभी तक मेयर पद का प्रत्याशी अभी तक आज तक कोई वोट मांगे तक नहीं आया, तो विकास करने कैसे आता। आज दिगंबर सिंह ढाकरे जी जो बीएसपी में अपने हैं, आप लोगों से उन्होंने वोट मांगे हैं, क्या कहना है उनके बारे में? उन्होंने ऐसे व्यक्ति को तो सब पूरा वार्ड वोट देगा, और ऐसे व्यक्ति को ही चुन करके आना चाहिए जो सबका विकास सबका साथ दे। दिगंबर सिंह ढाकरे को वोट देंगे सभी लोग, देंगे इकट्ठे होकर देंगे, यहाँ कोई पूरा जाति देगी, जाति से कोई लेना देना नहीं है। मैं वार्ड 28 पुरा गोवर्धन में रहता हूँ, बहुत पिछड़ा है यहाँ पर। बीजेपी के जो रहे हैं आज तक मेयर हमने कभी देखा नहीं, दो तीन बार रहे लेकिन यहाँ कभी नहीं आए, आज तक नहीं आए, और यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल जीरो हैं, नाली खरंजा लाइट ये सारी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, कोई बीजेपी का काम नहीं कराता यहाँ पर। मैंने ये देखा है पहली बार, हमारे मेयर साहब पहली बार दौरा कर रहे हैं, इससे पहले 20 साल से मेयर रह रहे हैं बीजेपी के, आज तक रिकॉर्ड में ना किसी गली में किसी कूचे में कभी तक नहीं आए हैं। क्या लगता है दिगंबर सिंह ढाकरी ये पहले प्रत्याशी हैं जो कि इस गांव में जनसंपर्क आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं? जी पहले प्रत्याशी हैं जो आज पहली बार आश्चर्यचकित हो रहा है जनता को कि आज पहली बार हमारे मेयर के प्रत्याशी गलियों में घूम रहे हैं, गाँव की महिलाएं देख रही हैं, आदमी देख रहे हैं कि आज पहली बार प्रत्याशी घूम रहे हैं यहाँ पर आकर के, आज के अलावा कोई भी प्रत्याशी ऐसा आया नहीं है। यहाँ पर बता दें कि 25 सालों से ये गांव नगर निगम की सीमा में तो दर्ज है, लेकिन शहरी सुविधाओं से अब तक ये क्षेत्र वंचित ही रहा है। इस क्षेत्र के आबादी भी करीब 23,500 के लगभग है, जो कि चुनाव के लिहाज से एक अच्छा वोट बैंक एरिया भी कहा जा सकता है। ऐसे में एक बार फिर से इस क्षेत्र के लोग चुनाव के बाद होने वाले मेयर से अपने क्षेत्र के उद्धार की उम्मीदें बांधे बैठे हैं। सेलिब्रेशन टीवी के लिए अनूप दुबे के साथ देवेश दीक्षित। नगरीय निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस चुनाव में अपना आगाज करने वाले राजेश कुमार गुप्ता आज आम आदमी पार्टी के साथ हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी टिकट पर उनको ये चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजेश कुमार गुप्ता जी। आम आदमी पार्टी की नीतियाँ रीतियाँ और जो उनका उद्देश्य और उनका संकल्प इस चुनाव में क्या गुल खिलाने वाला है, एक बार बताते हैं आपको। राजेश जी, किस तरीके से अभी तक आप निर्दलीय थे और इसके बाद में आम आदमी पार्टी ने अपनी टिकट पर चुनाव लड़ाने का आपको फैसला लिया है, तो कैसा लग रहा है? एक वोट बैंक भी जो पार्टी का है वो भी आपको मिलेगा और पार्टी संगठन भी आपके साथ खड़ा हुआ है आज। देखिए, जब जनरल की सीट डिक्लेयर हुई थी तो चुनाव लड़ने का मन बनाया था कि चुनाव लड़ के और शहर के लिए जो समस्त लोगों के एक राय होती है कि स्मार्ट सिटी ताज सिटी होना चाहिए, अब जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो सभी प्रकार की उसकी समस्याओं के निवारण की बात करते हैं, चाहे वो सौंदर्यता हो, केवल सौंदर्यता से ही कोई स्मार्ट सिटी नहीं होता, वहाँ की स्वास्थ्य
प्रणाली, वहाँ की शिक्षा प्रणाली, वहाँ पेयजल की व्यवस्था, वहाँ लोगों में शांति सौहार्द और जितनी भी आवश्यक मूलभूत चीज़ें हैं, जैसे कि संगठित बाज़ार, संगठित रोज़गार, इन सब को ध्यान में रखते हुए, इन सब मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जो कि मेरे ख्याल से सभी दलों का एक एजेंडा होता है कि हम अपने कार्यकाल में अपने उस क्षेत्र को जिसके लिए हम चुने गए हैं एक सुंदर क्षेत्र बना दें। मेरा भी वही है, आम आदमी पार्टी का भी वही है, और आम आदमी पार्टी एक आम लोगों की पार्टी है, वो कोई एक बहुत ऐसे लोगों की पार्टी नहीं है जहां बहुत कुछ उठा पटक करने हैं। साधारण सरल लोगों की पार्टी है जहां साधारण सरल लोगों ने अपने काम को अंजाम देना है और शहर की जनता को लाभ देना है। मैं तो एक माध्यम होऊंगा केवल, एज ए मेयर अगर मैं चुना जाता हूं तो केवल एक माध्यम हूं, बट उसका लाभार्थी तो जनता ही है। पार्टी का इस चुनाव में क्या एजेंडा मेन रहेगा? आम आदमी पार्टी एक अपने एजेंडे को बिल्कुल अलग से लेके चलती है, और तमाम और जो दल हैं वो भी चुनावी घोषणाएं करते हैं, घोषणा पत्र बनाते हैं, लुभावने घोषणा पत्र बनाते हैं, तो बेसिक क्या चीज़ें ऐसी होंगी आपके घोषणा पत्र में जो पब्लिक वेलफेयर के लिए होंगी? देखिए, आप घोषणा पत्र में कितनी भी लुभावनी चीज़ें डाल लीजिए, उससे काम नहीं बनने वाला। नगर निगम की जो कार्यप्रणाली है, नगर निगम के जो कार्य क्षेत्र हैं, उससे आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे लुभावने वादे बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। और जो नगर निगम के कार्य हैं, जो जिसके लिए नगर निगम बनाया गया है, अगर आपने वो काम नहीं किया तो भी सब व्यर्थ है। तो वही आम आदमी पार्टी का एजेंडा है कि जितने भी नगर निगम के कार्य हैं, जिसके लिए नगर निगम का संगठन किया गया है, वो सभी काम सुव्यवस्थित समय से पूरे होंगे और बिना किसी परेशानी, जनता को बिना किसी परेशानी के महसूस किए होंगे। अभी तक समाज सेवा से तो आप जुड़े रहे हैं, लेकिन राजनीतिक अनुभव आपके पास में शायद नहीं था, और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये आपकी पहली पारी की शुरुआत है। इस बारे में क्या कहेंगे? आपके तमाम इतने बड़े दल हैं, बड़े चेहरे हैं चुनौती देने के लिए, तो किस तरीके से संगठन को साथ लेकर आप इस चुनावी मुहिम में अपना बेड़ा पार करेंगे? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि राजनीति का मतलब ये नहीं है कि हम ये सोचते रहें सारे दिन कि किसको पटखनी देनी है, किसका नुकसान करना है, किसके को हरा के आगे आना है, या किससे हमको गलत लाभ हो सकता है। राजनीति का मतलब है जिस क्षेत्र के विकास के लिए आपको नियुक्त किया गया है, उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, लोगों का विकास होना चाहिए, लोगों के साथ उसका विकास होना चाहिए। अगर आगरा नगर निगम में 100 वार्ड आते हैं तो पूरे 100 वार्ड का विकास होना चाहिए, तभी वो सफल राजनीति है। राजनीति की जो दलदल है उसको मैं राजनीति नहीं मानता। राजनीति में यही महत्वपूर्ण है कि आप आपस में कैसे सौहार्द बनाते हैं, जो आपकी कार्यप्रणाली है उससे कैसे संबंध बनाते हैं, आपको जो दूसरे राजनेता हैं या दूसरे आपके क्षेत्र के बाहर के हैं, जैसे कि हम कहें तो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, पंचायतें हैं, या जो और क्षेत्र के डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि रोड डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, और अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट, उन सब के साथ आप कैसे सामंजस्य बैठा के काम करें। कल तक देखा जाए तो आप अकेले थे, आज आपके साथ में एक स्ट्रक्चर भी है आम आदमी पार्टी का, एक जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी आपके साथ में है। 100 वार्ड इस नगर निगम के क्षेत्र में आते हैं, तो अब मैं समझता हूँ कि एक आसान रहेगा आपके लिए कैंपेनिंग करना भी, तो किस तरीके से कुछ ऐसा प्लान किया है कैंपेनिंग के लिए, क्या प्रोजेक्टिंग की है आपने कि कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके से पूरे 100 वार्डों में आपकी हनक दिखाई दे? जितने भी कार्यकर्ता पार्षद के पोस्ट के लिए अलग अलग वार्ड में खड़े हो रहे हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि वो अपने लिए और आगरा के मेयर के लिए काम करें, क्योंकि एक व्यक्ति सभी वार्ड में नहीं जा सकता, और जा भी सकता है तो सभी को टच नहीं कर सकता। और
सीधी सी बात है, अगर जनता को एक बार ये समझ में लग गई कि देखिए काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, गद्दी पे बैठने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। गद्दी तो सबके घर में है भाई, नगर निगम में आके क्या करोगे? अगर काम करना है तो लोगों के साथ मिलके काम करो, लोगों के लिए काम करो। और इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि पार्षद जो भी होगा उस सब के साथ मिलके काम करना है, और उन्होंने मेरे साथ मिलके काम करना है, तभी देश का और तभी शहर का एक नई शुरुआत होगी, जिसके लिए हम कहते हैं कि नई सोच नई उम्मीदें। अगर हम इस सोच को लेके चलेंगे और मीडिया इस नई सोच को पब्लिक तक लेके जाएगा तो शायद है मेरे जैसे कैंडिडेट को, प्रत्याशी को जगह जगह घूम के अपनी बात कहने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आज की तारीख में मीडिया एक इतना प्रभावी साधन है कि वो आसानी से पब्लिक को बता सकता है कि तुमको जो चाहिए वो कहाँ मिल सकता है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं चुनाव में आपके लिए, और ये भी शुभकामना है कि आप ये चुनाव जीते हैं और जनता को एक सच्चा सेवक वास्तव में मिले, जिस लंबे समय से जो यहाँ के क्षेत्र की जनता है वो इंतजार कर रही है। अपने सहयोगी अनूप दुबे के साथ सेलिब्रेशन टीवी के लिए देवेश दीक्षित।